बारिश होने के बावजूद बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो वापस आने की तैयारी में जुट गए, पर सामने देखा तो क्या आंधी के काले बादल उनकी तरफ आ रहे थे। बोट्स तो ऊपर नीचे और बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। एक टाइम पर तो सबको लगा सब खत्म, सब डूब जाएंगे, कोई घर वापस नहीं लौटेगा। लो पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं नोजर पार्टी वाला, मैं लेकर आया हूं अपना शो सैब जी बाबा जी। और इस बार ये बाबा जी आपको सुनाएगा पारसी लोक कथाएं। जादुई कथाओं का छोटा सा बस्ता मेरा, खुलने की देर है बस, कल्पनाओं के घोड़े पर सवार हर बार एक नई कथा। कभी सच के रंगों में रंगी, कभी मिथक लफ्जों से सजी, किसने कही किससे सुनी बता नहीं पाऊंगा, कथाकार हूं कथा सुनाऊंगा, बदले में आपका थोड़ा सा वक्त चुरा ले जाऊंगा। आज की कहानी है ओ पारसी तारो थाबरियो। ये कहानी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। मेरी नानी वो बहुत खूबसूरत थी, उनके चेहरे की जो झुर्रियां थी ना वो उनकी उम्र का तकाजा तो देती थी, पर उनकी आंखों की वो चमक बिल्कुल बच्चों जैसी चमक, और उनके लंबे हल्के सुनहरी बाल बिल्कुल परियों जैसे कुछ और ही बयां करते थे। उनके पास अंग्रेजों के वक्त का एक सिक्का था जिस पर रानी की तस्वीर थी। नानी एक मखमल की पोटली से उस सिक्के को निकालती और मेरे हाथ में रखकर पूछती, रानी कितनी सुंदर होगी ना। मैं उस सिक्के को देखता और फिर नानी को। मुझे उस बेजान सिक्के में कैद रानी से ज्यादा खूबसूरत तो मेरी जिंदा दिल नानी लगती। जब भी मैं उनके घर रहने जाता छुट्टियों में, हमेशा मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाया करती थी। उनके हाथ का वो स्क्रैम्बल्ड एग, वाह, हम उसे चारवेलू ईडू कहते हैं। वो सब कजिन्स को बनाने से पहले पूछती, ढिल्लू के कड़क। मुझे तो स्क्रैम्बल्ड एग ढिल्लू मतलब थोड़ा सा लूज पसंद था। बहुत बार बनाने की कोशिश करी मैंने, पर नानी जैसे स्क्रैम्बल्ड एग नहीं बना पाया। उनका जो घर था वो बिल्कुल हाईवे से लगकर, सारा दिन और रात गाड़ियों की आवाज। रात को मुझे सोने में बहुत देर लगती, तब नानी मेरे पास आती, मेरे सर पर हाथ फेरती और कहती, पांच वार यथा उवेरियो ने तन वार अशम वह भनीले टिकरा उंगा भी जैसे। यथा अहुवेरियो और अशम वहु, ये दो प्रेयर्स है हमारी, प्रार्थनाएं हैं हमारी। हाथ फेरते फेरते वो कहती, जब भी जिंदगी में कोई बात सताए या किसी चीज से डर लगे तो ये दो प्रेयर कर लेना। एक दिन स्क्रैम्बल एग खाते खाते मैंने नानी से पूछा कि पांच यथा अहुवेरियो और तीन अशम वहु ही क्यों, मतलब पांच और तीन ही क्यों। तो नानी ने हम सब कजिन्स को एक साथ बैठाकर कहा कि आज रात को सोते वक्त मुझे याद दिलाना, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। वादे के मुताबिक नानी ने रात को एक कहानी सुनाना शुरू की। हमारे जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स, वो कुछ किसान थे, कुछ कारीगर थे और कुछ मछुआरे भी थे। जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे भरूच गांव में जो पारसी बसे थे वो मछुआरे थे। पारसी और अन्य मछुआरे समुद्र में जाते थे, विशेषकर शुरुआती बारिश के दौरान जब नदी और समुद्र दोनों में बहुत सारी मछलियां पाई जा सकती थी। एक सुबह बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, गांव के सारे लोग तो बोट्स और नेट्स लेकर तैयार थे। बारिश होने के बावजूद बहुत सारी मछलियां पकड़कर वो वापस आने की तैयारी में जुट गए, पर सामने देखा तो क्या आंधी के काले बादल उनकी तरफ आ रहे थे। बोट्स तो ऊपर नीचे और बारिश है के बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक टाइम पर तो सबको ऐसा लगा कि बस सब खत्म, सब डूब जाएंगे, कोई घर वापस नहीं लौटेगा। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी लहरों के कारण सारी बोट्स एक साथ एक ही जगह जमा हो गई। तभी एक पारसी मछुआरे ने अपने भाई को आवाज लगाते हुए कहा, पांच यथा उवेरियो ने तन अशम वहु भनवानु चालू करी दे, मतलब प्रार्थना करना शुरू कर दे। अब जैसे प्रार्थना के शब्द गूंज उठे समंदर की लहरों में, लहरें मानो शांत हो गई, आंधी के काले बादल गायब होने लगे,
सारी बोट्स लहरों पर आराम से तैरने लगी और दूर से उन्हें भरूच गांव की बड़ी सी दीवार दिखाई देने लगी। अब जैसे ही सभी सही सलामत किनारे पर पहुंच गए तो पारसी मछुआरों ने फिर एक बार प्रार्थना की, पर इस बार शुक्रिया अदा करने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि तूफान और जोरदार बारिश के कारण मछुआरे फिर फंस गए, पर उस दिन एक भी पारसी मछुआरा नहीं था। तो एक मछुआरे ने कहा कि क्या हम वही प्रार्थना दोहरा कर आंधी को शांत नहीं कर सकते। सबने कोशिश की पर प्रार्थना के सारे शब्द कोई भी ठीक से याद नहीं कर पाया। तभी एक बोट से एक मछुआरे ने आवाज लगाई, ओ पारसी तारो थाबरियो, ओ पारसी तारो थाबरियो। सबने ये शब्द मंत्र के रूप में दोहराना शुरू किया और मानो चमत्कारी ढंग से आंधी रुक गई। वो मंत्र काम कर गया और सारे मछुआरे लौट आए। फिर क्या था, एक लेजेंड, एक पौराणिक कथा बन गई भरूच के मछुआरों के साथ ये कहानी कि जब भी समंदर में आंधी के बीच फंसे हो तो ओ पारसी तारो थाबरियो मंत्र बोलने से मछुआरे किसी भी संकट से बच सकते हैं। और इन शब्दों में भी उतनी ही शक्ति थी जितनी की 5 यथा अहुवेरियो और 3 अशंभो की प्रार्थना में थी। नानी ने लाइट्स बंद करते हुए कहा, चलो अबे आंख बंद करो, 5 यथा अहुवेरियो ने तन अशंभो भनी ने सुई जाओ। और हम सब आंख बंद कर सो गए। आती जाती गाड़ियों की आवाज कब धीमी पड़कर नींद में डूब गई पता ही नहीं चला। नानी के पास किस्से कहानियों की कमी नहीं थी, कभी सुना देती तो कभी बना देती। ऐसी ही अनसुनी पारसी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे सैब जी बाबा जी में। स्लो ऐप के स्लो पॉडकास्ट पर मैं नोजर पार्टी वाला फिर लौटूंगा एक नई पारसी लोक कथा के साथ। सैब जी बाबा जी में सुनते रहिए स्लो पॉडकास्ट।